ओम शांति। आज की तारीख है 16/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाने वाले मीठे मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप डायरेक्ट आकर के अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्री मत पर सदा चलते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देनी है। नंबर दो, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्री मत लेनी है। वरदान सतगुरु बाप दादा का दिव्य बुद्धि के द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है कि जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझ कर बोलो। परिणाम को जानकर कर्म करने में सफलता अवश्य होती है। स्लोगन है, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकुर यानी नशे के द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।